हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान स्वशासी महाविद्यालय रायगढ़ से। आज हम फिश फार्मिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। फिश फार्मिंग MSc सेमेस्टर 4th प्राणीशास्त्र के ऑप्शनल ग्रुप 1 पेपर 4th अप्लाइड फिशरीज के अंतर्गत सम्मिलित है। यह यूनिट 3rd चैप्टर 4th के अंतर्गत फिश फार्मिंग के रूप में निहित है। फिश फार्मिंग के पार्ट 1 में हमने पूर्व में प्लानिंग ऑफ ए फिश फार्म का अध्ययन किया है। इसी अनुक्रम में हम आज फिश फार्मिंग के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म का अध्ययन करने जा रहे हैं। फिश फार्मिंग के ये 3 महत्वपूर्ण चरणों के बारे में पूर्व में हमने आपको बताया था। प्रथम चरण प्लानिंग ऑफ फिश फार्म, द्वितीय चरण कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म और तृतीय चरण के रूप में मेंटेनेंस ऑफ फिश फार्म सम्मिलित हैं। आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म के अध्ययन के लिए जो हमने महत्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित किए हैं वो इस तरीके से हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा लैंड रिक्वायरमेंट, तीसरा लेआउट प्लांस, चौथा कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड, कितने तरह के पॉन्ड की आवश्यकता होती है उनके नाम इस तरह से हैं, हेड पॉन्ड, हैचिंग पॉन्ड, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड, मार्केटिंग पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड और क्वारंटाइन पॉन्ड। पांचवा कंक्लूजन और उसके बाद पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्रियों के संदर्भ में रेफरेंसेस। पहला है लेआउट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म। इंट्रोडक्शन, फिश फार्म के निर्माण के लिए पॉन्ड एक मूलभूत आवश्यकता होती है। एक फिश फार्म के सफल निर्माण और उससे मछलियों के उत्पादन के लिए पॉन्ड की निर्माण की जो प्रक्रिया है वह गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और पॉन्ड की जो क्वालिटी है वो उन्नत होनी चाहिए। पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से जो प्लानिंग किया गया है उसके अनुसार उस प्लानिंग को जमीन पर लेआउट के रूप में खींचकर उसका निर्माण करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि फिश फार्म के प्लानिंग का जो लेआउट है वो किसी एक्सपर्ट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए ताकि जमीन का सर्वाधिक और सुविधाजनक ढंग से उपयोग किया जा सके। कंस्ट्रक्शन के लिए जिन भी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वो सारी सामग्रियां उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए और साथ ही साथ जो निर्माण कार्य है यह भी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। सामान्य तौर पर जो सामग्रियां इसके लिए आवश्यक होती हैं वो संबंधित होती हैं वाटर सिस्टम से, ड्रेनेज सिस्टम, ओवरफ्लो सिस्टम से और इसके अलावा अन्य जो सामग्रियां हैं ये सभी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। लेआउट और कंस्ट्रक्शन के लिए
जो रिक्वायरमेंट हैं उसके लिए जो आवश्यक स्टेप्स हैं वो इस तरह से हैं। पहला, लैंड रिक्वायरमेंट, जमीन की आवश्यकता। दूसरा, लेआउट प्लान्स। और तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश पॉन्ड। ये तीन महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं जिनकी आवश्यकता होती है। पहले हम देखें लेआउट प्लान के अंतर्गत लैंड रिक्वायरमेंट। फिश फार्मिंग की योजना जिस तरीके से बनाई गई है उसके अनुरूप जमीन की आवश्यकता फिश फार्म के कंस्ट्रक्शन के लिए होती है। लैंड की रिक्वायरमेंट ये कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करती है। जैसे यदि रिस्ट्रिक्टेड फिश फार्मिंग की कार्य योजना तैयार की गई है तो उसके अनुरूप फिश फार्म के कंस्ट्रक्शन के लिए जितने पौंड की आवश्यकता होगी उन पौंड का निर्माण के लिए लगभग 0.04 हेक्टेयर जमीन पर्याप्त होती है। लेकिन यदि कंप्लीट फिश फार्मिंग करना है जहां पर सीड प्रोडक्शन से लेकर के ब्रीडिंग और मार्केटेबल साइज फिशेस का कल्चर करना है तो इस तरह की फार्मिंग के लिए पॉन्ड्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा पॉन्ड के निर्माण की आवश्यकता होगी। और इसलिए ऐसी स्थिति में जो जमीन की जरूरत है वो ज्यादा होगी रिस्ट्रिक्टेड फिश फार्मिंग की तुलना में। अतः यदि कंप्लीट फिश फार्मिंग की कार्य योजना तैयार की गई है तो लगभग 6 से लेकर 8 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। एक आदर्श फिश फार्म के निर्माण के लिए कंप्लीट फिश फार्मिंग के अंतर्गत जिन पॉन्ड्स की आवश्यकता होती है उन पॉन्ड्स में महत्वपूर्ण हैं हैचिंग पिट्स, नर्सरी, रेयरिंग, स्टॉकिंग, मार्केटिंग, ब्रीडिंग और इसके अलावा मेन पॉन्ड या हेड पॉन्ड की भी आवश्यकता होती है। इन पॉन्ड्स के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि के अलावा उस फिश फार्म में कुछ अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए भी भूमि की आवश्यकता होती है। और अन्य सुविधाओं के अंतर्गत एक व्यक्तिगत छोटी सी प्रयोगशाला, स्टोर रूम, लेबर क्वार्टर, वॉचमैन क्वार्टर और रेसिडेंशियल क्वार्टर भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो इन अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भी जमीन की आवश्यकता होती है। दूसरा, हम देखें लेआउट प्लान्स के बारे में। लेआउट प्लान्स का मतलब ये होता है कि कार्य योजना को पेपर में ड्राइंग के रूप में जैसा बनाया गया है उस ड्राइंग के अनुरूप जमीन पर उस ड्राइंग को चूने के द्वारा मार्किंग करना, और मार्किंग करने की इसी प्रक्रिया को लेआउट प्लान कहा जाता है। तो फिश फार्मिंग की योजना में जिस तरह की फिश फार्मिंग की योजना तैयार की गई है, चाहे वो कंप्लीट फिश फार्मिंग की हो, रिस्ट्रिक्टेड फिश फार्मिंग की हो, और साथ ही साथ कुल उत्पादन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए जो योजना बनाई गई है उसके अनुसार पॉन्ड्स की अतिरिक्त संख्या की आवश्यकता होती है। तो लेआउट प्लान जो बना हुआ है, जो ड्राइंग बनी हुई है, उसको जमीन पर एग्जैक्टली उसी तरीके से चाक के द्वारा मार्किंग करने की प्रक्रिया को हम लेआउट कहते हैं। लेआउट होने के बाद इसी के अनुरूप उन पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, और कंस्ट्रक्शन के लिए कार्य योजना के अनुरूप जैसा लेआउट किया गया है उसमें कितने तरह के पॉन्ड की आवश्यकता होती है, आइए उसके बारे में हम अध्ययन करें। पहला पॉन्ड यह हेड पॉन्ड या मेन पॉन्ड कहलाता है। पूरे फिश फार्म में
ये सर्वाधिक बड़ा पौंड होता है और इस पौंड में पानी की उपलब्धता निरंतर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इसी पौंड के माध्यम से जो अन्य पौंड निर्मित किए जा रहे हैं उनमें वाटर की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है। इसलिए हेड पौंड ये फिश फार्मिंग का वाटर सोर्स के रूप में मुख्य बिंदु होता है, मुख्य निर्माण होता है। दूसरा, हैचिंग पॉन्ड, इसे स्पॉनिंग पॉन्ड भी कहते हैं। स्पॉनिंग पॉन्ड ये अपेक्षाकृत छोटे आकार का पॉन्ड होता है और इसकी जो साइज है ये 8x4x2 फिट होती है और इसमें हैचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो फर्टिलाइजर होते हैं उन फर्टिलाइज एक को हैच करने के लिए हैचिंग पॉन्ड में रखा जाता है, जो एक निश्चित अंतराल के बाद हैच करके उससे फिश फ्राई बाहर निकलते हैं और इसलिए इस पॉन्ड को हैचिंग पॉन्ड या स्पॉनिंग पॉन्ड कहा जाता है। तीसरे प्रकार का पॉन्ड यह नर्सरी पॉन्ड कहलाता है। नर्सरी पॉन्ड को ट्रांसप्लांटेशन पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह हैचिंग पॉन्ड की तुलना में बड़ा पॉन्ड होता है और इसकी जो साइज है ये 50x50x4 फिट होती है और ये जो नर्सरी पॉन्ड होते हैं ये सीजनल पॉन्ड होते हैं। सीजनल पॉन्ड का आशय यह है कि इन्हें समर सीजन में सुखा दिया जाता है, ड्राई अप किया जाता है मेंटेनेंस के लिए। और इन नर्सरी पॉन्ड का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्पॉनिंग पॉन्ड, जिसको हम हैचिंग पॉन्ड कहते हैं, उसके करीब किया जाना होता है। हैचिंग के बाद जो यंग फिश फ्राई निकलते हैं, जो फ्राई लगभग 3 से 6 दिन के उम्र के होते हैं, उन फ्राइज को हैचिंग या स्पॉनिंग पॉन्ड से कलेक्ट करके उन्हें इस नर्सरी पॉन्ड में छोड़ा जाता है और इस नर्सरी पॉन्ड में उन्हें लगभग 1 माह तक रख करके उनको फीडिंग दी जाती है, उनका देखभाल किया जाता है। चौथा पॉन्ड यह रीरिंग पॉन्ड कहलाता है। रीरिंग पॉन्ड ये अपेक्षाकृत नर्सरी पॉन्ड की तुलना में काफी बड़ा पॉन्ड होता है। इसमें जल की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इन पॉन्ड्स की जो साइज है वो 90x30x4 फिट होने चाहिए और ये जो रीरिंग पॉन्ड हैं ये सीजनल भी हो सकते हैं और पेरेनियल भी हो सकते हैं। सीजनल का तात्पर्य यह है कि समर सीजन में इनको एक बार ड्राई करना होता है और पेरेनियल का आशय यह है कि इन्हें लंबे समय तक पानी से भरकर रखा जाता है और उसमें मछलियों की रीयरिंग की जाती है। और ये जो रीयरिंग पॉन्ड हैं इन्हें नर्सरी पॉन्ड के करीब निर्मित किया जाना चाहिए। जो रीयरिंग पॉन्ड है ये महत्वपूर्ण पॉन्ड होते हैं, जिनमें जो नर्सरी पॉन्ड में 30 दिन तक रखे गए जो फिश फ्राई हैं उन फिश फ्राई को निकाल करके यहाँ रखा जाता है और फिश फ्राई को रीयरिंग पॉन्ड में ट्रांसप्लांट करने के बाद इन्हें लगभग 2 से 3 महीने तक यहाँ रखा जाता है और इस दरमियान इनके फीडिंग की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाती है। पांचवा पॉन्ड यह स्टॉकिंग पॉन्ड कहलाता है। स्टॉकिंग पॉन्ड में जो वेल ग्रोन फिशेज होती हैं उनको स्टॉक करके रखा जाता है। क्योंकि फिश सीड जितनी संख्या में इंट्रोड्यूस किए गए हैं संख्या के आधार पर फिश की साइज छोटी होती है, इसलिए आरंभिक दशा में छोटे पॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन रीरिंग के बाद जब 2-3 महीने के पश्चात फिश की साइज बड़ी हो जाती है, उन्हें लंबे समय तक फीडिंग देते हुए उन्हें वेल ग्रोन होते तक यहाँ रखा जाता है। इस उद्देश्य से स्टॉकिंग पॉन्ड की जो साइज है वो काफी बड़ी होनी चाहिए ताकि
अधिक संख्या में जो फिशेज हैं उन्हें यहाँ स्टॉक किया जा सके, उन्हें यहाँ पर रखा जा सके। इसलिए स्टॉकिंग पॉन्ड की जो साइज है वो 300 बाई 80 बाई 6 फिट होनी चाहिए, या इसकी संख्या के आधार पर साइज को कम करने की जरूरत है तो कम से कम इनकी साइज 80 बाई 30 बाई 6 फिट होनी चाहिए। और स्टॉकिंग पॉन्ड ये पेरेनियल होते हैं क्योंकि वेल ग्रोन फिशेस को लंबे समय तक यहाँ रखना होता है। लगभग 3 महीने तक पुरानी फिशेस को, 3 महीने पुरानी का आशय ये है कि ऐसे फिशेस जो 3 महीने की उम्र तक ग्रो कर चुकी हैं उन्हें रीरिंग पॉन्ड से निकाल करके इसी स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है और यहीं पर उनका जो फाइनल ग्रोथ है वो पूर्ण होता है। छठवें प्रकार का पॉन्ड ये मार्केटिंग पॉन्ड कहलाता है। स्टॉकिंग पॉन्ड में जो फिशेस पूरी तरह से ग्रो कर जाती हैं, अपनी पूरी लेंथ और वेट को अचीव कर जाती हैं, उन फिशेस को निकाल करके उन्हें मार्केटिंग पॉन्ड में रखा जाता है। और ये जो मार्केटिंग पॉन्ड है ये स्टॉक करने के अनुसार इनकी साइज निर्भर करती है, फिर भी सामान्य तौर पर इनकी साइज 80 बाई 30 बाई 6 फिट होनी चाहिए। और इन मार्केटिंग पॉन्ड्स में जो वेल ग्रोन फिशेस हैं उन फिशेस को रखा जाना चाहिए और साथ ही साथ समय समय पर मार्केट डिमांड के अनुसार उनकी हार्वेस्टिंग की जानी चाहिए और उनकी मार्केटिंग करनी चाहिए। सातवां पॉन्ड है ब्रीडिंग पॉन्ड। यदि फिश फार्मिंग के अंतर्गत सीड प्रोडक्शन का उद्देश्य है तो ऐसी दशा में ब्रूडर्स को एक अलग पॉन्ड में रखने की आवश्यकता होती है और ब्रूडर्स को जिन पॉन्ड में रखा जाता है उस पॉन्ड को ब्रीडिंग पॉन्ड कहा जाता है। तो ब्रीडिंग पॉन्ड की जो साइज होती है वह लगभग मार्केटिंग पॉन्ड के साइज के अनुरूप ही होती है, अर्थात ब्रीडिंग पॉन्ड की साइज 80 बाई 30 बाई 6 फीट होती है। और ये ब्रीडिंग पॉन्ड भी पेरेनियल होते हैं, अर्थात इनमें पानी निरंतर उपलब्ध होता है जहां फिशेस को रखा जाता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो वेल ग्रोन फिशेज हैं जिन्होंने अपनी लेंथ और वेट अचीव कर लिया है, ऐसी हेल्दी फिशेस को सेलेक्ट करके ब्रीडिंग के पर्पस से उन्हें इस पॉन्ड में रखा जाता है ताकि फ्यूचर में स्पॉनिंग या ब्रीडिंग की प्रक्रिया उनके माध्यम से की जा सके और उनका उपयोग किया जा सके, इसलिए इस पॉन्ड को ब्रीडिंग पॉन्ड कहा जाता है। और आठवां पॉन्ड है क्वारंटाइन पॉन्ड। इस पूरे फिश फार्मिंग की प्रक्रिया के दरमियान ऐसी स्थितियां भी आती हैं जहां पर फिश अलग अलग तरह के बीमारियों से या रोगाणुओं से संक्रमित हो सकती हैं। तो जो डिजीज्ड फिशेस होती हैं उन फिशेस को आइसोलेट करना, उन फिशेस को अलग करना और उनका ट्रीटमेंट करना ये एक महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग प्रक्रिया होती है। इसलिए फिश फार्मिंग के दरमियान ऐसी मछलियाँ जो किसी रोग से ग्रसित हैं या किसी रोग से संक्रमित हैं, ऐसे फिशेस को उन पॉन्ड से, चाहे वो मार्केटिंग पॉन्ड हो, चाहे वो ब्रीडिंग पॉन्ड हो, चाहे वो स्टॉकिंग पॉन्ड हो, वहाँ से उन्हें आइसोलेट किया जाता है, उन्हें निकाल लिया जाता है और निकाल करके इस पॉन्ड में रखा जाता है जहां उनका उपचार किया जाता है। और इन रोगग्रस्त मछलियों का उपचार जिस पॉन्ड में रखते हुए किया जाता है उस पॉन्ड को क्वारंटाइन पॉन्ड कहा जाता है। तो ये 8 प्रमुख प्रकार के पॉन्ड हैं जिनका कंस्ट्रक्शन फिश फार्म के लिए किया जाता है। ये एक चार्ट है जिसमें हमने ये 7 प्रकार के पॉन्ड्स को, उनकी संख्या और उनकी साइज को दर्शाया हुआ है जिनका कंस्ट्रक्शन लेआउट के अनुसार फिश फार्म के लिए किया जाता है। अंत में हमने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी हुई है कि इस 7 प्रकार के पॉन्ड के अलावा एक क्वारंटाइन पॉन्ड का निर्माण भी अति आवश्यक होता है जहाँ पर रोगग्रस्त मछलियों को प्रतिबंधित
पृथक करके उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये फिश फार्म का एक आइडियल प्लान है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मध्य में मेन पॉन्ड या हेड पॉन्ड बनाया गया है। ये सर्वाधिक बड़े आकार का पॉन्ड होता है और इसमें इनलेट और आउटलेट दोनों की व्यवस्था होती है। इनलेट के माध्यम से मेन पॉन्ड में पानी भरा जाता है और उसे एकत्रित रखा जाता है, और इसी मेन पॉन्ड के माध्यम से आवश्यकता अनुसार जो अन्य सहायक पॉन्ड हैं, जैसे हैचिंग पॉन्ड, नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड, ब्रीडिंग पॉन्ड, मार्केटिंग पॉन्ड, उनमें पानी की सप्लाई की जाती है। मेन पॉन्ड में संचित किए गए पानी को समय समय पर बदलने के लिए, पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ पानी मेन पॉन्ड से बाहर बहाया भी जाता है, और बहाने के लिए आउटलेट या ड्रेनेज सिस्टम भी इसके दूसरे छोर पर मौजूद होता है। ये सारा का सारा जो लेआउट प्लान है उसके अनुसार कंस्ट्रक्ट किया गया है। आप इस प्लान में यह भी देख रहे हैं कि फिश फार्म के साथ में इसके सुपरविजन के लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए और इसकी रिक्वायरमेंट के लिए तीन अलग अलग तरह के और भी संरचनाएं मौजूद हैं, जिन्हें हम रेसिडेंस के रूप में ले सकते हैं, दूसरा सर्वेंट क्वार्टर के रूप में ले सकते हैं, और तीसरा है लैब और स्टोर के रूप में ले सकते हैं। लैब में सामान्य तौर पर पानी के गुणों का परीक्षण किया जा सकता है, और स्टोर में उन सारे उपकरणों को रखा जा सकता है जो फिश फार्म के मेंटेनेंस के लिए समय समय पर आवश्यक होते हैं। इसके अलावा फिश के फूड, नेट, हार्वेस्टिंग के दूसरे जो उपकरण होते हैं, उन सारे उपकरण को इस स्टोर रूम में रखना आवश्यक होता है, और इसलिए फार्म हाउस के अंदर एक लैब कम स्टोर रूम की भी आवश्यकता होती है। तो ये अभी जो हमने प्लान देखा हुआ है, ये एक आइडियल फिश फार्म का प्लान है। पॉन्ड का जो प्लान है फिश फार्म में, पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन दो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, या हम ये कहें कि फिश फार्म में पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के दो तरह के प्लान हैं। पहला प्लान कहलाता है सीरियल पॉन्ड प्लान और दूसरा पैरेलल पॉन्ड्स प्लान कहलाता है। आइए पहले हम देखें सीरियल पॉन्ड्स प्लान के बारे में। तो यहाँ पर जो पॉन्ड अलग अलग प्रकार के कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वो सारे पॉन्ड परस्पर एक दूसरे के क्रम में होते हैं और साथ ही साथ वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी होते हैं। हम ये मान सकते हैं कि पहला जो पॉन्ड है वो स्पॉनिंग पॉन्ड है, दूसरा जो पॉन्ड है वो रीडिंग पॉन्ड है, तीसरा पॉन्ड ये तीसरा पॉन्ड इसको हम मान सकते हैं ये मार्केटिंग पॉन्ड है, चौथा पॉन्ड ये स्टॉकिंग पॉन्ड हो सकता है, और पांचवा पॉन्ड ये ब्रीडिंग पॉन्ड भी हो सकता है। तो पॉन्ड को उनके बढ़ते हुए क्रम के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्लान में पानी की जो आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति एक सिरे से की जाती है, और उनका जो ड्रेनेज है, उसका जो निष्कासन होता है, वह उस पॉन्ड के दूसरे छोर से किया जाता है। तो फ्रंट साइड पर इनलेट होगा और इसके बैक साइड पर इसका ड्रेनेज होगा। इस प्लान की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कंस्ट्रक्शन आसान होता है, और साथ ही साथ इसका जो मेंटेनेंस होता है यह भी काफ़ी सरल होता है। आइए अब हम देखें दूसरे प्लान के बारे में। दूसरा जो प्लान होता है ये पैरेलल प्लान कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉन्ड जो होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन एक दूसरे के समानांतर किया गया है। एक लाइन पर जो पॉन्ड बने हैं वो सीरियल पे हैं, दूसरे लाइन पर जो पॉन्ड बने हैं ये भी सीरियल पे हैं, लेकिन दोनों पॉन्ड की जो लाइनें होती हैं यदि उसे सम्मिलित रूप से देखें तो ये पूरी तरह से एक दूसरे के पैरेलल या एक दूसरे के समानांतर होते हैं। इस प्लांट में
दो तरह के दृश्य हमको दिखाई देते हैं, दो तरह की व्यवस्था हमको दिखाई देती। यदि हम इसके फ्रंट साइड को देखें तो फ्रंट साइड पर इनलेट होता है जहां से पानी पॉन्ड के लिए सप्लाई किया जाता है, और इनका जो इनलेट पाइप होती है, जो सप्लाई लाइन होती है, ये दोनों पॉन्ड के लाइनों के बाहर की दिशा पर स्थित होती है, और एक लाइन के तमाम पॉन्ड्स को उसी लाइन के सप्लाई लाइन के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती। वहीं दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि दोनों लाइनों के पॉन्ड्स के पानी के ड्रेनेज के लिए सम्मिलित रूप से दोनों लाइनों के बीच में एक कॉमन पाइपलाइन होती है, जहां से इन पॉन्ड्स का जो पानी है वो इस ड्रेनेज में इकट्ठा किया जाता है, जहां से वो पॉन्ड से बाहर निकाल दिया जाता है। पैरेलल पॉन्ड प्लान में हम नीचे की ओर एक और चित्र देख रहे हैं। इस प्लान में यदि हम देखें तो हमें ये मालूम होता है कि यह प्लान वस्तुतः दूसरे चित्र के प्लान के अनुसार ही है। फर्क इतना है कि जो फ्रंट साइड पर इनलेट है और बैक साइड पर जो आउटलेट है, ये द्वितीय प्लान की तुलना में विपरीत है। यहाँ पर जो इनलेट पाइपलाइन होती है, ये पॉन्ड के दोनों कतारों के बीच में बनाई जाती है, और इसी पाइपलाइन के माध्यम से प्रत्येक पॉन्ड को पानी की सप्लाई की जाती है। वहीं जब हम आउटलेट या ड्रेनेज की बात करते हैं, तो जो ड्रेनेज पाइपलाइन होती है वो हर लाइन के बाहर की ओर होती है, जहां पॉन्ड से वाटर को ड्रेन ऑफ करके इस लाइन में डाला जाता है, और अंत में बैक साइड पर दोनों साइड से आती हुई जो ड्रेनेज पाइपलाइन होती हैं वो परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो वेस्ट वाटर होता है, जो ड्रेनेज वाटर होता है, उसको बाहर ड्रेन ऑफ कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं कि दो ही तरह के प्लान हैं, पहले पिक्चर के अनुसार पैरेलल प्लान और दूसरे और तीसरे पिक्चर के अनुसार ये कहलाएगा पैरेलल प्लान। सॉरी, पहला जो प्लान है वो सीरियल प्लान है, पहले चित्र का जो प्लान है वो सीरियल प्लान है, जबकि दूसरे और तीसरे चित्र में दर्शाया गया प्लान वो पैरेलल पॉन्ड प्लान है। यहां पर कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं। इन फोटोग्राफ्स को देखने से ये प्रतीत होता है कि पॉन्ड का निर्माण दो तरीके से किया जा सकता है। पहले तरह के पॉन्ड, जिन्हें हम अर्दन पॉन्ड कहते हैं, ये सामान्य तौर पर मिट्टी की खुदाई करके बनाई जाती हैं। इनका जो एम्बैंक है, इनका जो बॉटम है, या हम कहें कि पूरा का पूरा जो पॉन्ड होता है वह अर्दन ही होता है, वो मिट्टी से ही बना हुआ होता है। और यहां पर विभिन्न तरह के पॉन्ड देखे जा सकते हैं। पहला पॉन्ड नर्सरी पॉन्ड आप देख रहे हैं, दूसरा रीयरिंग पॉन्ड, तीसरा मार्केटिंग पॉन्ड, और चौथा इस चित्र में ब्रीडिंग पॉन्ड के रूप में दर्शाया गया है। इसी क्रम में आप ये भी देखें कि एक पॉन्ड क्वारंटाइन पॉन्ड के रूप में निर्मित किया गया है। इसकी पूर्व चर्चा भी हमने की है कि क्वारंटाइन पॉन्ड में जो संक्रमित मछलियां होती हैं उन्हें पॉन्ड से निकाल करके इस क्वारंटाइन पॉन्ड में रखा जाता है, जहां पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, और स्वस्थ होने के बाद उन फिशेस को क्वारंटाइन पॉन्ड से वापस उनके पॉन्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अभी हमने आपसे चर्चा की कि पॉन्ड का निर्माण दो तरीके से हो सकता है। पहले तरह का पॉन्ड अर्दन पॉन्ड, जिसकी संरचना पूरी तरह से अर्दन या मिट्टी के द्वारा होती है, और दूसरे प्रकार के पॉन्ड, ये सीमेंट पॉन्ड कहलाते हैं, जिनके बॉटम, जिनके तट, ये पूरी तरह से कंक्रीट के द्वारा बने हुए होते हैं। तो जैसी कार्य योजना है, जैसी प्लानिंग है, उसके अनुसार सॉइल को देखते हुए पॉन्ड का निर्माण किया जाना आवश्यक होता है। यदि पॉन्ड बहुत ज्यादा सैंडी है, वाटर सीपेज और लीकेज की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में अर्दन पॉन्ड की तुलना में सीमेंट पॉन्ड बनाना बेहतर होता है। ये विभिन्न तरह के पॉन्ड की जानकारी हुई। आइए
हम कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पॉन्ड किसी भी फिश फार्मिंग के लिए एक महत्वपूर्ण भाग होता है, और यह जो पॉन्ड है ये एक ऑक्यूपेशन के रूप में विलेज एरिया में या रूरल एरिया में भी बनाया जा सकता है। यदि पॉन्ड का निर्माण गुणवत्तापूर्ण किया जाता है और उसमें फिश कल्चर की प्रैक्टिस गुणवत्ता या साइंटिफिक ढंग से की जाती है, तो निश्चित रूप से यह जो फार्मिंग होती है ये सक्सेस फिश फार्मिंग की श्रेणी में सम्मिलित की जाती है। रेफरेंसेस धन्यवाद।